तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, देश के गरीब की किस्मत चमकाने वाली बड़ी योजना, सौभाग्य योजना, जिसका आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान करने वाले हैं। आपको बता दें, 2 से 2.5 करोड़ लोगों को इस योजना से फायदा मिलेगा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौभाग्य योजना यानी सहज बिजली हर घर योजना का ऐलान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को बिजली उपलब्ध कराने वाली इस नई योजना सौभाग्य योजना की शुरुआत का ऐलान अब से कुछ ही देर बाद ONGC के एक कार्यक्रम में करने वाले हैं। और जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि गरीबों के लिए ये बड़ी योजना है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना का ऐलान करने वाले हैं। सौभाग्य योजना का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी उसी के आधार पर गणना हुई है और उसके आधार पर ही चिन्हित किया गया है गरीबों को। नाम अगर होगा उसमें तो फिर मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलेगा, और अगर नाम नहीं है तो फिर 500 रुपए में कनेक्शन मिलेगा, और ये 500 रुपए भी 10 किश्तों में गरीब आसानी से चुका सकेंगे। मतलब 500 रुपए का भी कोई भार नहीं पड़ेगा किसी पर। 2 से 2.5 करोड़ लोग जिन्हें सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौभाग्य योजना से। इस योजना के लिए 16,320 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हम और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिशिर, कब तक उम्मीद की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे और योजना का ऐलान होगा? यहाँ पे जो संकेत मिल रहे हैं कि चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी जो चल रही थी उसकी वजह से शायद थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं लगता है, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं और किसी भी वक्त जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला जो है वो इस बिल्डिंग जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन के नाम से जाना जाएगा, और ये ONGC जो कि देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है उसका ये कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, उसका इनॉग्रेशन होगा, और इस इनॉग्रेशन के बाद जो सौभाग्य योजना है उसका विधिवत जो है वो उद्घाटन किया जाएगा। जी, मैं आऊंगी आपके पास शिशिर सिन्हा, आप रहिए हमारे साथ, हम सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम। मेरे सहयोगी अभिसार शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और ये सौभाग्य योजना बड़ी योजना जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले अब से कुछ ही देर बाद, उसकी क्या खासियत है बता रहे हैं अभिसार? शुक्रिया आपका रोमाना। मेरे पास दरअसल ये दस्तावेज है जिसमें एक तरह से खाका तैयार किया गया है कि दरअसल इसमें है क्या। तो सबसे पहले तो पहला पन्ना आपके सामने है जो कि कहता है कि रोशन होगा हर घर, गांव हो या शहर। मगर जिस डिटेलिंग का जिक्र आप कर रही थी वो उसके बाद है। संकेंद्रित राज्य बिहार, ओडिशा, पूर्वोत्तर राज्य, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, यानी कि जिन राज्यों में चुनाव होना है अगले साल, राजस्थान, मध्य प्रदेश उनका यहां पर जिक्र है। इसके अलावा सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित अविद्युतकरण आवासों के लिए बैटरी सहित 200 से 300 W का सोलर पावर पैक, जिसमें ये तमाम चीजें शामिल हैं। बहरहाल हम आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी दिखनी शुरू हो गई है। जी हां, उद्घाटन के लिए, दीनदयाल ऊर्जा भवन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और अब से बस कुछ ही लम्हों के बाद वो सौभाग्य योजना की घोषणा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सौभाग्य घोषणा जिसका मकसद है रोशन होगा हर घर, गांव हो या शहर। शिशिर, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि हम लोगों को जो है वो प्रधानमंत्री के जो मुख्य उद्घाटन स्थल है उससे थोड़ा दूर रखा गया है, इसीलिए सही सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल शिशिर, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब से बस कुछ ही देर बाद जो है इसका दीनदयाल ऊर्जा भवन का उद्घाटन भी हमारे सामने हो रहा है, पर्दा उठ रहा है तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति, बहुत बड़ी यहां पर मूर्ति है जिसका अनावरण आपके सामने हो रहा है। अब से बस कुछ ही लम्हों में सौभाग्य जो है योजना का ऐलान होगा।
की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल ऊर्जा भवन, जो ONGC का कॉरपोरेट ऑफिस है, उसका उद्घाटन करेंगे। अभी मूर्ति का अनावरण हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो संदेश था कि किसी भी देश और समाज का तब तक उत्थान नहीं हो सकता है जब तक समाज के सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं उन्हें विकास की कड़ी से ना जोड़ा जाए, और अब उसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सौभाग्य योजना, जो सहज बिजली हर घर योजना है, रोशन होगा हर घर, गांव हो या शहर, जिसका ये मिशन है, उसी के ऐलान के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं। शिशिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिशिर जी बिल्कुल, यहां पर अभी जो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होगा, जो कि ONGC का हेडक्वार्टर भी है, और इसके बाद एक रैली तो नहीं कहना चाहिए, एक छोटी सी सभा है, जहां पर वो पेट्रोलियम सेक्टर के लिए कुछ योजनाओं के साथ साथ जो सौभाग्य है उसकी पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। जी, तो इंतजार रहेगा सबको इस वक्त कि कब सौभाग्य योजना का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। फिलहाल देखिए, अंत्योदय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा का बुनियाद माना जाता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब अंत्योदय से सौभाग्य तक, मतलब गरीब की तकदीर बदलनी है, और सिर्फ बदलनी नहीं है बल्कि उसे चमकाना भी है। ऐसे में देश में कहीं भी अंधियारा ना रहे, देश का कोना कोना चमके, वहां उजियारा फैले, इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ ही देर बाद ये सौभाग्य योजना, जिसका ऐलान किया जाएगा, सहज बिजली हर घर योजना, रोशन होगा हर घर, गांव हो या शहर, 2 से 2.5 करोड़ लोग बताया जा रहा है जिन्हें इस योजना से सीधा लाभ पहुंचेगा। 16,320 करोड़ इस योजना का बजट बताया जा रहा है, और 2019 तक ये लक्ष्य लेकर चल रही है सरकार कि हर घर में बिजली पहुंचाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना बताई जा रही है। इससे पहले उज्ज्वला योजना भी इस सरकार की एक ऐसी ही महत्वाकांक्षी योजना थी जिसने देश की महिलाओं के जीवन में एक बड़ा सुधार लाया, और आज जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को रेखांकित किया गया कि देखिए, क्योंकि देश ने बीजेपी में विश्वास दिखाया है, बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में सत्ता एक माध्यम होना चाहिए, और माध्यम किस बात के लिए होना चाहिए, सत्ता माध्यम इस बात के लिए होना चाहिए कि लोकतंत्र को चुनाव से आगे ले जाकर जन भागीदारी की ओर बढ़ाया जा सके, जिससे लोगों के जीवन में सुधार हो। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ऑडियो विजिट रूम में पधार चुके हैं, वहां से आप पीट लेंगे तो हमारे यहाँ पर बैठे हुए सभी गणमान्य अतिथिगण उसका भी आनंद ले पाएंगे। साथ में हैं माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय श्री आरके सिंह। ये पूरा डिजिटल अनुभव है और अद्वितीय है। पहला जो देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी सेक्शन, उसमें वो वस्तुएं दिखाई गई हैं डिस्प्ले पर है, अगर आप देख रहे हैं, जिनको इस भवन को बनाते वक्त इस्तेमाल किया गया है, ये बहुत ही सस्टेनेबल हैं और एनर्जी एफिशिएंट भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े जानकार हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन उत्सुकता उनके मन में हमेशा बनी रहती है नई चीज़ों को जानने की। जिस कौतूहल से, जिज्ञासा से वो चीज़ों को जानना और समझना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि भारत की आत्मा को वो अच्छी तरह से जानते हैं और भी समझना चाहते हैं। इसमें एक बटन है, अगर वो आप प्रेस करेंगे, अगर कोई चीज़ डिस्प्ले पर है उसके पास वाली बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे पूरा उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि ये कौन सी वस्तु है और इसका इस्तेमाल क्यों किया गया है। इस तरह से तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, उनके आदर्शों पर, सोच पर, पर्यावरण की रक्षा और राष्ट्रहित की रक्षा की गहन सोच के साथ इस भवन का निर्माण किया गया है। और हम आपको बता दें कि इस भवन के जो आर्किटेक्ट हैं पद्मभूषण हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अगले सेक्शन में जा रहे हैं। जो पहला सेक्शन है उसका ये है कि पर्यावरण पर नकारात्मक असर भी ना पड़े और ऊर्जा की भी बचत हो, और सारे मटेरियल्स डिस्प्ले पर अभी आपने देखे। और अगला सेक्शन जो है वो रोटोस्कोप है, मल्टी स्क्रीन पैनल, जो ONGC का सफ़र उस पर पूरा डिस्प्ले कर रहा है, सफ़र को, जो गौरवमय सफ़र है और उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी जान रहे हैं। इसमें एक स्लाइडर है, उसे आप
और वो इंटरैक्टिव भी है। वो स्लाइडर जहाँ जाके रुकता है वो चीज़ें डिस्प्ले हो जाती हैं, चाहे वो चित्र के रूप में आए या वीडियो के रूप में आए। और जिस भी जगह पर आप स्लाइडर रोकेंगे उस जगह में जो ईयर है, साल है, उसका पूरा इतिहास आ जाएगा ONGC का। तो बहुत ही इंटरैक्टिव है ये, माननीय प्रधानमंत्री जी को समझाया जा रहा है जर्नी ऑफ ONGC 6 decades एंड बियॉन्ड, 60 साल और उससे भी आगे का जो इतिहास है। और अब हम एक गौरवशाली भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और इस पूरे भवन में और ये जो खासकर ऑडियो विजुअल सेक्शन है, इसमें ऐसा लगता है जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो ओज है, उनके जो विचार हैं वो गूंज रहे हैं हर जगह। पर्यावरण की रक्षा की बात है, देश हित की बात है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बहुत ही राष्ट्रवादी दार्शनिक भी थे, पत्रकार भी थे और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते थे। तो जो भी चीज़ें होती हैं अगर राष्ट्र के हित के लिए होती हैं तो कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार उसमें गूंजते हैं, प्रतिध्वनित होते हैं। तो पंडित दीनदयाल ऊर्जा भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और कुछ ही देर में बड़ा ऐलान, बड़ी योजना, सौभाग्य योजना का। रोशन होगा हर घर, गांव हो या शहर, सहज बिजली हर घर योजना का ऐलान करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में। हम ये है ABP News, आपको रखे आगे।